हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम, ये वर्ड हमें बहुत ही सुना सुना लग रहा है। आखिर ये वर्ड के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? अगर आप अपने 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस को याद करेंगे तो वहां हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिनका नाम है जॉन डाल्टन। डाल्टन ने हमें एक थियोरी दी थी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा आपका एटम से बना हुआ है। एटम, ये एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने ये कहा था कि एटम आपका स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। डाल्टन की इसी थियोरी की मदद से हमें और भी बहुत कुछ पता चला था, जैसे कि एटम न्यूट्रल होता है, और इस थियरी की मदद से हमने कई सारे लॉज भी पढ़े थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो ये थियरी नहीं समझा पा रही थी, जैसे कि अगर हम कोई भी सिल्क के कपड़े को ग्लास के साथ रब करें तो उसमें से इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलता है, और अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो ये चार्ज कहां से आता है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा सोचे तो हमें ये पता चलता है कि डाल्टन का जो बेसिक अजम्पशन है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, वो गलत है। विद टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने से ये पता चला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके एटम को।